कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट होकर राष्ट्र के लिए वोट देने की अपील की थी। उन्होंने इस दौरान एजेंडा सेट करते हुए नारा दिया था, बंटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बंटकर के कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब इसकी गूंज महाराष्ट्र में सिर्फ सुनाई नहीं दे रही है बल्कि दिखाई भी देने लगी है। चुनाव से पहले मुंबई के कई इलाकों में, जिसमें अंधेरी ईस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बांद्रा में होर्डिंग्स लगे दिखाई दिए हैं, जिस पर लिखा है बंटेंगे तो कटेंगे। पोस्टर में आगे लिखा है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कहा जा रहा है कि इस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी न केवल मतदाताओं को बल्कि विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही है। पोस्टर में बीजेपी नेता विश्वबंधु राय का नाम लिखा है। जैसे पार्टी की राजनीति कर रहा, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो उनको मानते हैं, इसलिए तो उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। उसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया और हरियाणा में तो आपने देखा ही कि कैसे लोगों ने उसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वो पैटर्न सेम लागू। बता दें कि मुंबई में उत्तर भारत के लोग काफी संख्या में रहते हैं और वो योगी के फैन हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए मतदान 20 नवंबर को होना है। अब देखना है कि क्या बीजेपी हरियाणा वाला दांव महाराष्ट्र और झारखंड में चलाने में कामयाब होगी।